ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर, कर दे सब कुछ तेरा, ये समर्पण भाव हमें संपूर्णता की ओर ले चलता है। भक्ति में हम सब गाते आते थे, प्रभु तन मन धन सब तेरा, अब उसे प्रैक्टिकल में करना है। हमने वायदे भी किए थे, जब तुम इस धरा पर आओगे हम सब कुछ बलिहार करेंगे। धन मन धन तो बहुत छोटी चीज है, जीवन को ही बलिहार कर देंगे। हम सभी इस बात पे ध्यान दें। कुछ आत्माओं ने अपना वायदा निभा लिया और कुछ आत्माएं ग्रस्त में रहते ही समर्पित भाव से जीवन जीती है। हमें समर्पण भाव बढ़ाना है। 8 चीजें विशेष रूप से, तन मन धन और बुद्धि, 4 ये एक सीक्वेंस में, फिर अर्पित करना है देह के सब संबंध बाबा को। मेरापन जो कुछ भी है वो समर्पित, अपनी समस्याएं समर्पित, बोझ और चिंताएं समर्पित, कर्म और कर्म के परिणाम को भी समर्पित। कर्म भी तेरे लिए, और कर्म का जो भी परिणाम हो, अच्छा बुरा, लाभ हानि, सुख दुख, सब तुमको अर्पित। तो हम अपने पुण्य कर्म जब बाबा को अर्पित करेंगे तो हमारे पुण्य कर्म और अधिक पुण्य कर्म बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पुण्य कर्मों पर बाबा की स्टैंप लग जाएगी। रोज सवेरे उठकर हम अपने को सच्चे मन से अर्पित किया करें। ये मन तुम्हारा है, तुम्हारी आज्ञा के बिना अब ये कहीं नहीं जाएगा। तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, और बहुत सुंदर प्रैक्टिस हो जाए। बाबा मेरा है, हमें नशा चढ़ जाए, जो भगवान है वो मेरा है। सोचो हम भगवान के बारे में क्या क्या सोचते थे, क्या क्या सुनते थे, उसको जानने के कितने प्रयास करते थे, कितनी रिसर्च हुई, कितने ग्रंथ वेद शास्त्र लिखे गए, परंतु भगवान को कोई नहीं जान पाया। अब जब उसने हमें बताया मैं कौन हूँ, तो हमें क्या पता चला, वो तो हमारा ही निकला, वो तो हमारा है। हम क्या क्या सोचते थे और हो क्या गया। तो हम सभी समर्पित भाव अपना कर बाबा को अपना बना दे, और जो कुछ हम अर्पित करेंगे उसका रिटर्न तो पदम गुना होगा, उसकी तो कोई गणना ही नहीं की जा सकती है। तो कितना सहज सौदा है, समर्पण भाव ही हमें संपूर्ण बनाएगा। भगवान वाच है, जब तुम संपूर्ण समर्पित हो जाते हो तो संपूर्ण बन जाते हो। तो आज हम बहुत अच्छी फीलिंग करेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं इस देह में अवतरित हुई हूँ। अलग देखेंगे बिल्कुल, देह जैसे नीचे था और मैं आत्मा ऊपर से उतरती हूँ धीरे धीरे, और भकुटी सिंहासन पर आकर बैठ गई और आंखों से देखा सारा संसार। आँख खुली तो देखा सभी आत्माएं अपना अपना पाठ बजा रही हैं। कानों से आवाज आने लगी, मैं आत्मा कानों से सुनने लगी, और फिर मुख से बोल कर उन्हें शांत करने लगी, उन्हें प्रभु संदेश देने लगी, उनकी पीड़ा हरने लगी। तो मैं आत्मा इस देह में अवतार हूँ, और फिर अपना दिव्य कार्य करके मैं आत्मा वापिस चली गई अपने धाम, जा पहुंची शांति धाम। तो मैंने इस देह में अवतार लिया है,
इस संसार में पुण्य की सरिता बहाने के लिए, इस संसार को पावन करने के लिए, पुनः देव स्वराज की स्थापना करने के लिए बाबा के साथ मैं आत्मा भी उसके श्रेष्ठ कर्मों में, दिव्य कर्मों में मददगार बनी हूँ। तो आज ये सब अभ्यास करते रहेंगे और अपनी तपस्या को इस रूप में मोड़ देंगे कि मैं केवल आत्मा हूँ, जैसे देह है ही नहीं। शाम तक चलते चलते ऐसी फीलिंग होने लगे मानो देह है ही नहीं, केवल मैं। ओम शांति।